सगळ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकर ने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राइब करा नागरत्ना फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांनासुद्धा ह्या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ एसएससी के बच्चों के लिए भाषा बिंदु. पेज नंबर है आप लोगों का 14144. ओके, तो देखते हैं भाई भाषा बिंदु में क्या दिया हुआ है. और एक, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए. रेखांकित करना यानी अंडरलाइन करना. ठीक है, एक, बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है ना एग्जाम में, उन लोग को क्या करना करने के लिए कहा है वही नहीं समझता और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ भी लिखते ही नहीं है. ठीक है, इसके लिए ये जो वर्ड्स है ना सब ध्यान में रखो. जो भी मैं बोलती हूँ ना, आप लोग पेन या पेंसिल लेकर बैठा करो और तुरंत लिख दिया करो. ठीक है, जब जब ये वर्ड आपको दिखेगा ना, आप उधर लिखेंगे रेखांकित करना मीन्स अंडरलाइन करना. ओके, वन, सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई. तो सोनाबाई और बच्चों अंडरलाइन किया हम लोगों ने संज्ञा शब्दों को. अभी ये सोनाबाई जो है वो व्यक्तिवाचक है और बच्चों जो है वो जातिवाचक है. दो, गाय बहुत दूध देती है. गाय और दूध, गाय जातिवाचक, दूध द्रव्यवाचक. द्रव्य मीन्स लिक्विड रहता है ना वो. मैं रोज ईश्वर मीन्स गॉड अल्लाह प्रार्थना करता हूँ. ईश्वर और प्रार्थना, ईश्वर जातिवाचक, प्रार्थना भाववाचक. चार, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी. सैनिकों जातिवाचक, टुकड़ी समूहवाचक ग्रुप. ओके, दल समूह. सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं. सोना चांदी द्रव्यवाचक. छह, गोवा देख मैं तरंगाइत हो उठा. गोवा व्यक्तिवाचक. सात, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था. युवकों जातिवाचक, कार्य सॉरी दल समूह वाचक, कार्य भाव वाचक. आठ, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है. विदेश जातिवाचक, भ्रमण भाववाचक. इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है. कहानी जातिवाचक, समाज बहुवाचक समूहवाचक एंड चित्रण भाववाचक. दस, सागर का जल खारा होता है. तो सागर है जातिवाचक, द्रव है जल है द्रव्य वाचक. ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर दिया है दो, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं पांच संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. ठीक है, तो मैंने ये जो शब्द है आपके लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है. तो अपना सवाल याद है ना आप लोगों को, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं पांच संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. ठीक है,
तो देखिए साइकिल, तो कोई भी वाक्य आप लोग इसमें लिख सकते हैं। मुझे साइकिल चलाना पसंद है, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, ठीक है, मुझे लाल रंग की साइकिल चाहिए। तो ऐसे कोई भी वाक्य आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है जोश, जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए, जोश में हमेशा होश में रहना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तीन रेत, मुझे रेत में खेलना बहुत पसंद है, मुझे रेत के घर बनाना बहुत पसंद है, मुझे रेत में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मुझे रेत में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चार आत्मा, प्रत्येक आत्मा पवित्र होती है, ठीक है, आत्माएं पवित्र होती है, भगवान मेरे डॉग की आत्मा को शांति दे, हाँ ऐसा आत्मा वर्ड आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है फाइव बंदर, बंदर पेड़ पर रहते हैं, बंदर बहुत शरारती होते हैं, बंदर बहुत मस्ती करते हैं, बंदर सबकी नकल करते हैं। जो आपको आसान लगता है ना वर्ड, उसका आप लोग यूज़ करके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना होता है कि ये जब शब्द आप वाक्य में प्रयोग करते हो तभी आप लोगों की काना मात्रा वेलांटी में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो एक मार्क का ये रहेगा और आप लोग गलती करोगे तो उसमें आधे आधे मार्क कट हो गए, तो गए फिर मिलेगा अंडा, अंडे का फंडा हो जाएगा फिर। इसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ ना, आप लोग बराबर से फॉलो भी करना और कभी जिंदगी में मत भूलना, ओके। हर पढ़ाई के लिए सब एक ही रूल लागू होता है, ओके। वेरी गुड, कितने होशियार है मेरे बच्चे। तो अभी हम लोग देखते हैं भाई आगे क्या है। तीन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। रिक्त स्थानों में यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक रिक्त यानी ब्लैंक प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। एक, वे सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में है। दो, तुम बाजार जाओ, हम कारखाने में एक ही विभाग में रहते हैं, इसे लेकर तुम क्या करोगे। हृदय वही है, तुम उदार हो, लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे, मैं इसके पहले उसे मना करता। दस, काम करने के लिए कहाँ है वही करो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्यों को रिक्त स्थानों की पूर्ति की, ओके। आसान लग रहा है अभी, गुड। आखिर भाई मेरे स्टूडेंट्स है, आसान तो लगेगा ही इन लोगों को। अभी यहाँ पर उन्होंने दिया है चार, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और मैं मेरे बच्चों को भाई ये करो वो करो करके पेंडिंग में नहीं रख सकती हूँ, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये अपलोड किया है, यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है। तो देखो उसमें कौन से आएंगे, मैंने, तुझे, वे, कोई, आप, मुझसे, उन्होंने या और मुझे, ठीक है। तो अभी इसमें वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी कहा है उन्होंने, तो अभी मैंने है तो मैंने रेत का घर बनाया, मैंने खाना खाया, मैंने बहुत खेला, ऐसे कितने तो वर्ड्स आप लोग बना सकते हैं ना। अगर आपको समझो कुछ भी ऐसे डाउट लगता है काना माता मिलन की, तो लेसन्स में से भी आप लोग कुछ भी ढूंढ कर एक लाइन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, है क्या नहीं, गुड। उसके बाद दो, तुझे, सागर, तुझे माँ ने बुलाया है, ये लड़के का नाम है सागर, तुझे माँ ने बुलाया है, तुझे
कौन सा खाना पसंद है, तुझे क्या खाना पसंद है ना। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं आपके वर्ड्स में। तीन, वे मेरे मामा है, वे मेरे काका है, वे मेरे चाचा है, वे मेरे पापा है, लिख सकते हो ना। इससे और सिंपल क्या दूँ। उसके बाद है फोर, कोई है ये बच्चों, तो ये जो बाहर है ना, मैं गलती से इधर बाहर लिख रही थी, तो ये है कोई, यानी ये है, ओके। बाहर कोई आया है। पांच, आप, कल आप कहाँ थे, कल आप क्या कर रहे थे, आज आप आ रहे हो क्या, ऐसे कुछ भी आप लोग वर्ड्स बना सकते हैं। छः, मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो, तुम मुझसे बात मत करो, ठीक है ना। कितने सारे वर्ड्स हो गए, तो आप लोग लिख सकते हैं। सेवन, उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे खाना दिया, ठीक है, उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने मेरा नाम बताया, कितने तो भी आप लोग वाक्य इसमें बना सकते हैं। उसके बाद है एट, मुझे बाजार जाना पसंद है, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे आम का अचार पसंद है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वाक्य लिखना है तो एक सेंटेंस बनाने का और लिखने का, जो इजी से इजी वर्ड में अच्छे से अच्छा सिंपल टू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है ना, अभी जरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ क्या, नहीं हुआ ना, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो अभी आप लोगों को इधर उन लोगों ने दिया हुआ है उपायोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन लिखिए, ठीक है। तो अभी इसमें जो ये जो उपायोजित जो लेखन है ना, ये मैं आप लोग के लिए स्पेशली अलग से अपलोड करने वाली हूँ, ताकि ये आप लोग के दिमाग में परफेक्टली बैठ जाए, ठीक है। तो वेट कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का आने का, ओके। तो मैं आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ उपायोजित लेखन, और सिर्फ ये वीडियो अपने तक ही मत रखिए, प्लीज बच्चों को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जितनों को भी आप जानते हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट हैं आप लोग के मोबाइल में, सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएस तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। तो इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो मेरे जो न्यू वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और सेकेंड जो मैं आप लोग के लिए लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा, है ना। दो फायदे, और वो भी है बिल्कुल फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, नो कॉपीराइट, नो चार्जेस, नथिंग। तो बिंदास फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। तो जो मेरा एम है ना ये वीडियो बनाने का, जो मेरा मोटो है, कि मैं चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेन नॉलेज फ्रॉम माय वीडियो, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, और मराठी बच्चों के लिए मैंने जो अपलोड किया है नागरत्न चैनल, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो मराठी मीडियम के बच्चों को आप लोग प्लीज मेरे नागरत्न चैनल के बारे में बताइए, ओके। और मैं उसका लिंक भी आप लोग को नीचे देती हूँ, और विदाउट फेल फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ठीक है। चलो फिर हम लोग भी मिलते हैं बहुत जल्दी ही उपायोजित लेखन के साथ, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और अपना जो होमवर्क बचा है ना वो कंप्लीट कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।